मानव श्रृंखला बनाकर भाजपा ने किया विरोध। राष्ट्रीय युवा दिवस पर शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर आज भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर लगभग एक घंटे तक धरना प्रदर्शन एवं विरोध प्रकट किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा में की गई भारी लापरवाही को लेकर सभी भाजपा के लोगों में आज विरोध नजर आया है। प्रधानमंत्री के हुए इस अपमान को लेकर प्रदेश व्यापी अभियान के तहत ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना, भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के निर्देशानुसार ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सेन के नेतृत्व में भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी, भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि दामोदर अग्रवाल, भगवान सिंह चौहान के आतिथ्य में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। भारत माता की जय, इन नारों के साथ देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के नारे उन्होंने जमकर लगाए। जिले भर में आयोजित हुए मानव श्रृंखला कार्यक्रम में भाजपाई कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि पदाधिकारी सम्मिलित हुए। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। पार्टी ओबीसी मोर्चा के द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत सूचना केंद्र चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री जी के काफिरे को जिस तरह से, जिस बदनीयति से, जिस दुर्भावना से रोका गया, सभा में नहीं जाने दिया, उनकी जान की जो परवाह नहीं करते हुए उनकी जान के साथ जो खिलवाड़ कर किया गया, मैं सोचता हूँ यह एक तरह से लोकतंत्र का अपमान है। प्रधानमंत्री जी सबके हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से एक षड्यंत्र पूर्वक, राजनीतिक द्वेषता पूर्वक जो एक कार्य किया है, यह बहुत ही निंदनीय है। आज जब हम देख रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से जो आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि कांग्रेस अब बिखर चुकी है, अब उनकी तड़पड़ाहट है और उसके अंदर इस तरह के कदम उठा के प्रधानमंत्री की यात्रा को रोका, निश्चित तौर पर हम सब उसकी निंदा करते हैं और आने वाले चुनाव में